Welcome to the dining kitchen. Subscribe to my YouTube channel. Press the bell icon for latest update. आज हम बनाएंगे चना चाट जो हेल्दी और डाइट फ्री है। यह सामग्री चना चाट बनाने के लिए है। सबसे पहले 250 ग्राम चना या छोले को 4 घंटे या रात भर भिगो के रखें। इस भिगोए हुए चने को कुकर में डालकर पानी और स्वादानुसार नमक डालकर पकाएं। जब चने पक जाए तो इसमें से पूरा पानी छान लें। एक कढ़ाई लें और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल शामिल करें। चूल्हे की आंच को धीमी रखें। इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालें। थोड़ी बारीक कटी हुई अदरक और थोड़े कड़ी पत्ते डालें। इसे सबसे धीमी आंच पर चलाएं और तब तक हम मसाले तैयार करें। एक कटोरी ले और इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, काला नमक, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सादा नमक डालें। अब इसमें थोड़ा पानी मिला है और इसका एक अच्छे से पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को अब कढ़ाई में डालें। इसे तब तक पकाएं जब तक कि यह मसाले और तेल अलग ना हो। अब इसमें उबले हुए चने डालकर अच्छी तरह मिलाएं और चूल्हा बंद करें। इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज, 1 बारीक कटी टमाटर और 4 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब सबसे मुख्य सामग्री यानी कि 2 नींबू के रस निचोड़ कर डालें। चाहे तो स्वादानुसार नमक डालें। कटा हुआ हरा धनिया और पुदीने के पत्ते डालकर अच्छी तरह मिला लें। चाहे तो 1 और नींबू का रस निचोड़ कर परोसे।
Subscribe to my YouTube channel.